बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के निधन के बाद पहली बार फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। जुग जुग जियो फिल्म की शूटिंग के लिए वो अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी जैसे कलाकारों के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। ऋषि कपूर के निधन के बाद पहली बार काम पर वापस लौटने को लेकर नीतू कपूर की लोगों ने खूब सराहना की थी। वहीं हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी नीतू कपूर को लेकर पोस्ट किया है जो सबका ध्यान खूब खींच रहा है। अपनी पोस्ट में अनुपम खेर ने नीतू कपूर की सराहना करते हुए लिखा कि आपने ये चीज़ें करके उन्हें सबसे खुश इंसान बना दिया है। नीतू कपूर को लेकर अनुपम खेर की ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है, साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, ऋषि जी के बिना चंडीगढ़ में आपसे आखिरी रात हुई मुलाकात ने न्यूयॉर्क की कई यादों को ताज़ा कर दिया। हमारे साथ में बहे आंसू ने उस पल को और भी मजबूत बना दिया। ये तस्वीरें ये याद दिलाती हैं कि चिंटू जी का जीवन व्यक्तित्व से बड़ा था। मैं बहुत खुश हूँ कि आप काम कर रही हैं, ये करके आपने चिंटू जी को सबसे खुश इंसान बना दिया है। हम आपके दोस्त, हमेशा आपके साथ हैं। याद है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि टेप रिकॉर्डर पर पॉज बटन की तरह होते हैं, वो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ आप उन्हें रोकते हैं। ढेर सारा प्यार। अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में ऋषि कपूर के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें उनके साथ नीतू कपूर, रितेश देशमुख और जैकलीन फर्नांडिस भी नज़र आ रही हैं। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। वहीं ऋषि कपूर की बात करें तो इस साल 30 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके निधन से न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को काफ़ी झटका लगा था। उनके निधन के बाद अपने काम पर वापस लौटते हुए नीतू कपूर ने भी एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें वो ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुई थी। एक्स9 लाइव से आकाश की रिपोर्ट।